दोस्तों, मैं हूं बादल और आप देख रहे हैं देसी टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम व्हाट्सएप के ऐसे दो सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जिसको देखकर आपका होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, ये दो सेटिंग्स जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखने के लिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम समय को महत्व देते हुए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को बताते हैं। सिंपली दोस्तों, अगर ये आपको ये सेटिंग्स के बारे पहले पता होगा तो ये कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सेटिंग्स नंबर पहला बताते हैं आप लोग को। दोस्तों, अगर आपको ग्रुप में कोई आलतू फालतू मैसेज कर देता है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पहले उसको ग्रुप से नंबर को निकालते हैं, फिर डायल करते हैं, फिर सेव करते हैं, उसके बाद जाके मैसेज करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी समय लग जाता है, तब तक ले तो बंदा ऑफलाइन ही चला जाता है। तो सिंपली दोस्तों, आप उसको सिर्फ 5 सेकेंड में मैसेज कर सकते हैं, वो भी बिना कॉन्टेक्ट सेव किए ही। तो सिंपली दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये बंदा उल्टा सीधा मैसेज कर दिया है, तो सिंपली दोस्तों, अगर जो मैसेज किया है वो मैसेज को होल्ड करके रखिए। होल्ड करने के बाद दोस्तों, ऊपर में देखिए इस तरह के सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली दोस्तों, 3 डॉट पर आप एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर उसका नंबर सेव हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों, फर्स्ट वाला सेटिंग्स आप देख ही पा रहे होंगे, रिप्लाई प्राइवेटली। तो सिंपली उस पर एक बार आप क्लिक कीजिए दोस्तों। अगर आपका उसका उसका नंबर सेव होगा तो सिंपली यहां पर बता देगा सेव, और नहीं सेव होगा तो भी आप उसको मैसेज कर सकते हैं ग्रुप वाला मैसेज के बदले में, रिप्लाई उसको पर्सनली दे सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, चलिए हम दूसरे सेटिंग्स के बारे बताते हैं। तो सिंपली दोस्तों, ये सेटिंग्स काफ़ी हेल्पफुल है और ये सेटिंग्स के बारे जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो सिंपली दोस्तों, आपको 3 डॉट पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन खुल कर आ गए हैं। और तीसरे नंबर में आपको सेटिंग दिख रहा होगा ऑटो रिप्लाई। दोस्तों, ये सेटिंग्स आपने काफ़ी बार देखा होगा तो गेस भी किया होगा कि ये सेटिंग्स में होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, उसी सेटिंग्स के बारे में आप लोग को रूबरू कराते हैं। तो सिंपली दोस्तों, उस पर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑटो रिप्लाई का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो काफ़ी बंदा मैसेज करता है, और आप मैसेज करने के लिए रिप्लाई देने के चक्कर में आप अपना स्टडी ध्यान भटक जाता है और एग्ज़ाम छूट जाता है। कुछ भी करते हैं, डिस्टर्ब आने की होता ही होता है। तो सिंपली दोस्तों, अगर आप वो सब परेशानी नहीं झेलना चाहते हैं तो ऑटो रिप्लाई में या कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं कि अगर आपको कोई बंदा मैसेज करता है तो आप यहाँ ऑटो रिप्लाई मैसेज में यहाँ पर कुछ लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है कि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, ओके। तो सिंपली दोस्तों, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, आप कॉन्टैक्ट पर रखिएगा तो आपके कॉन्टैक्ट मैसेज करेगा तो उस पर रिप्लाई जाएगा, और ग्रुप में रख दीजिए तो ग्रुप में भी मैसेज चल जाएगा। और नीचे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम का ऑप्शन है दिया है कि दोस्तों, ये सेटिंग्स आप कितना से कितना बजे तक रखना चाहते हैं, तो आप सेव कर लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम 5:49 से 6 बजे तक रखे हैं। दोस्तों, ये समय मेरा बहुत ही लाभदायक है, हम स्टडी करते हैं जिसके कारण से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम ये सेटिंग्स को ऑन करके रखे हैं। तो दोस्तों, ये सेटिंग्स के बारे तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों, ऊपर में जो 3 सेटिंग्स आपको दिख रहे हैं तो उसको रिप्लाई टू एल मैसेज में कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों, ये क्या होता है कि दोस्तों, अगर कोई बंदा आपको मैसेज करता है, आप तो स्टडी कर रहे हैं, व्हाट्सअप में तो हैं ही नहीं, तो सिंपली दोस्तों, व्हाट्सअप एप्लीकेशन वाला क्या करता है कि
आप ऑटोमेटिक आप जो यहाँ पर मैं लिखे हैं कीवर्ड वो ऑटोमेटिक मैं रिप्लाई दे देता है और अगला बंदा को पता चल जाता है कि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके, ये मैसेज ऑटोमेटिक उसके पास चल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों ये सेटिंग्स हमको ये सब काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, ये आप सेव करके रखिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप हमको अगर 5:49 से 6 के बीच में अगर आप हमको मैसेज करते हैं, हम व्हाट्सएप नहीं भी चला रहे हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिक रिप्लाई चल जाएगा। जो हमने यहाँ पर कीवर्ड लिखे हैं वही कीवर्ड आपके पास चल जाएंगे ऑटोमेटिक। तो सिंपली दोस्तों ये सेटिंग अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर पहले से पता होगा तो आप कमेंट पे लिखिए, और आपको पता नहीं होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की टेक्निकल वीडियो के साथ। तो सभी को जय हिंद।